स्वामी भगवसिता पुरस्तु हनुमान पश्चात सुमित्रा सतः शत्रुघ्न भरतश्च पार्श्वदलयोः वायवादि कोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट तारासतो दाण्डवान् मध्ये नील सरोज कूर्मदर्चिं तामं भजे श्यामलं समस्तु रामाय च लक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजाजे नमोस्तु रुद्रेन्द्र इमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राकमर्दनेभ्यः लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरंतं श्रीरामचंद्रं चरणं प्रपद्ये यत्र यत्रात् कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवाय परिपूर्ण लोचनं मानुतिं नमता राक्षसांतकं उल्लंघ्य सिंधो सलिलं सलीलं यः शोकभंगिं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लंकां नमामितं प्राञ्जलिराञ्जनेयं दूरीकृत सीतार्थिः प्रकटीकृत राम वैभव स्तोत्रिः आदित दशक कीर्ति पुरतो मम भातु हनुमतो मूर्ति सर्वप्रथम हम सबके जो आत्मा राम है अंतश्चेतना है जो जीव लोक के ऊपर करुणा से मनुष्य रूप धारण किया था उस अयोध्याधिपति सरयू तीर विहारी शाश्वत सत्य नाम प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनंत प्रणाम समर्पण करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारी प्रकृति ही कौशल्या है, अवतार करो, अपना कुछ नहीं रखना, आपका ही सब कुछ होना, हमको शून्य करो, तुम उसमें पूर्ण हो, ऐसी प्रार्थना उनके चरणों में रखते हैं। और शब्द ब्रह्म रामायण जी के चरण में अनंत प्रणाम समर्पण करते हैं। आदि कवि मुनि परिपूर्ण ज्ञानी श्री वाल्मीकि जी के चरण में अनंत प्रणाम समर्पण करते हैं। और अगर राम जी को पूर्ण रूप में किसी ने जाना तो उसी ने जाना, वो है हनुमान जी परम प्रिय हमारे प्रभु का, तो उनके भी दिव्य चरण में जिनकी दिव्य सन्निधि है यहाँ सुन रहे हैं वो भी अव्यक्त रूप में उनके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम समर्पण करते हैं। यथाशक्ति यथामति आज की कथा में प्रवृत्त होना चाहते हैं। विश्व को चलाने वाले तीन मूर्ति हैं, ब्रह्मा जी विष्णु जी और महेश जी, इनमें कौन श्रेष्ठ है? सृष्टिकर्ता श्रेष्ठ है कि स्थितिकर्ता श्रेष्ठ है या संहारकर्ता श्रेष्ठ है, कौन श्रेष्ठ है? वैष्णव कहते हैं विष्णु भगवान ही श्रेष्ठ है, अब शैव कहते हैं महेश जी ही श्रेष्ठ है और आपस में झगड़ते भी उसी के ऊपर। दक्षिण में नारियल का पेड़ होता है, नारियल का पेड़ में कई अंश होते हैं, कांड है, पत्ते हैं, नारियल है, नारियल में भी जूट है, भीतर नारियल है, सार है, पानी है, इसमें क्या अंश श्रेष्ठ है?
कौन सा अंश श्रेष्ठ है? जवाब आपके ऊपर निर्भर करता है, आपको क्या करना है। अगर आपको घर बनाना है तो कांड श्रेष्ठ है, कांड ले लो। अब अगर घर साफ करना है, झाड़ू चाहिए, तो पत्ते श्रेष्ठ है, वो ले लो। अगर प्यास लगी है, पानी श्रेष्ठ है। भूख लगा है तो नारियल श्रेष्ठ है। रस्सी बनानी है तो जुट की, वो जुट श्रेष्ठ है, उससे रस्सी बनती है। तो ऐसे ही किसी को श्रेष्ठ या अश्रेष्ठ नहीं बता सकते। काम के ऊपर निर्भर है, आवश्यकता के ऊपर निर्भर है, हर चीज ऐसा। ये भी विषय महाकवि कालिदास कहते हैं, एक मूर्ति ही विभिदे त्रिधाता समान वेशान प्रथम आवृत्तम। अगर तीन होंगे तो आप पूछ सकते हैं कौन सा श्रेष्ठ है। तीन एक ही है तो कैसे पूछेंगे, वो तीन नहीं है, एक है। एक ही वो मूर्ति ही, एक ही है, तीन रूप में उभरा। काम तीन रूप में था इसलिए तीन रूप में उभरा। सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी का रूप धारण किया उस पराशक्ति ने, पालन के लिए विष्णु जी का रूप धारण किया, और संहार के लिए सदाशिव जी का रूप धारण किया। अगर सृष्टि है तो ब्रह्मा जी ही श्रेष्ठ है, बाकी दो सहायक है। अगर पालन की बात है तो विष्णु जी ही श्रेष्ठ है, बाकी दो सहायक है। अगर संहार का काम है, बाकी दोनों का नहीं चलेगा, इनके साथ ही चलना पड़ेगा। आप कभी बैठते हैं, कभी उठते हैं, कभी सोते हैं, कौन से भंगी श्रेष्ठ है आपका? सारे। वो तीन नहीं, एक ही। जब सोना है तब लेट जाते हैं, जब कुछ पढ़ना है, बातचीत करना है, बैठते हैं, चलना फिरना उठ के करना पड़ता है। काम से तीन अवस्थाएं होती हैं हमारे में, तीन में कोई श्रेष्ठ कनिष्ठ नहीं होता। वैसे तीन मूर्तियां मेरी, हमारे आचार्य हमेशा कहते थे शास्त्रों में कभी झगड़ा नहीं, शास्त्रियों में जरूर है, हमेशा रहता है झगड़ा, क्योंकि इनकी प्रतिष्ठा है। मेरा शास्त्र उसको मेरा ही बड़ा है शास्त्र से ज्यादा, ममता के कारण ही वो सब होता है। बहुत बार सोचते हैं, देखो कल जैसे बोला था न्यूज पेपर में आता है, तो एक्सीडेंट हुआ, इन्हें मौत हुआ, कुछ नहीं होता, पीछे मेरा जोड़ तो होता है कुछ, मेरा मित्र, मेरे बंधु जरूर होता है कुछ। वो मेरा जुड़ने से सब कुछ होता है। गुरु तक, मेरा गुरु, वहां भी है ममता, वो नहीं होने से ममता नहीं होगी, होने से योग से भाव आया, वो होने से ही प्रणाम करेंगे, सब कुछ करेंगे। इसलिए ममता के कारण शास्त्रियों में झगड़ा करता है, शास्त्रों में कभी नहीं होता। वो एक ही दिव्य शक्ति का अलग अलग अंग है शास्त्र सर। यह जिज्ञासा देवताओं में भी, रामायण कहते हैं देवताओं में जिज्ञासा भी, कौन श्रेष्ठ है, ब्रह्मा जी शिव जी श्रेष्ठ है कि विष्णु जी श्रेष्ठ, तो ब्रह्मा जी के पास है तो ये थोड़ा पता करके बताना कि दोनों में कौन श्रेष्ठ है। एक अवस्था में ऐसी हुई, अपने हुंकार से विष्णु जी शिव जी को स्तंभित किए, तब हो गए शिव जी। तब तक सारे देवता अंकित, क्योंकि कैसे भी करके शुरू किए है, अभी समाप्त करना कैसे, अगर समाप्त नहीं हुआ तो विश्व ही समाप्त होगा। तो सब बहुत ही मेहनत करके कैसे भी युद्ध का शमन किया, दोनों शांत हो गए, प्रसन्न हो गए। उसके बाद में शिव जी उस धनुष को देवराज जनक को देता है, जो सीरध्वज जनक, सीता जी का जो जनक है, पिता है, उसके पूर्वज थे देवराज जनक, उसको दे दिया है शिव जी ने। यही वो सवाल आता है, कौन श्रेष्ठ है, शिव जी श्रेष्ठ है कि विष्णु जी श्रेष्ठ है।
हम बहुत बार सोचते हैं घंटी बजाए, घंटी बजाते समय जब वो नाद शुरू हुआ वहां ब्रह्मा जी है, नाद की सृष्टि हुई वहां ब्रह्मा जी है, थोड़ी देर नाद अनुवृत्त होता है तो वहां विष्णु जी पालन कर रहे हैं नाद को, फिर शांत होता है नाद। हाँ शिव जी कहो कहां नहीं है ये तीन मूर्ति, तुम पैदा हो गए ब्रह्मा जी के, अब जीवन चल रहा है विष्णु जी है, एक दिन जाना पड़ता है शिव जी है, सर्वत्र व्याप्त है, साथ साथ काम करते हैं, एक के बाद एक काम करते हैं। दूध को दही बनाना वहां भी चलता ही है, अगर दूध में वो डाला थोड़ा सा दही डाला क्या कहते हैं उसको, हाँ फिर झगड़ा चलता है। विष्णु जी चाहते हैं दूध को दूध का वैसा ही रखे, शिव जी चाहते हैं दूध का विलय करे, ब्रह्मा जी चाहते हैं दही की सृष्टि हो, तो चलता है उस वक्त। शिव जी जीतते हैं तो दूध दूध नहीं रहता, ब्रह्मा जी जीतते हैं तो दूध दही बना दही बनता है, विष्णु जी जीतते हैं कुछ समय दही वैसे ही रहता है। ये नित्य जीवन की बात है, तीन मूर्तियां अपने जीवन में हर क्षण हर पल देखते रहते हैं, ऐसे विषय है, तो जीतना हारना हमेशा रहता है, इससे गरिमा रहिमा नहीं होती है तीन मूर्तियों का। उस समय विष्णु जी जीते शिव जी हार गए, क्यों? क्योंकि शिव धनुष का वो काम था आगे, थोड़े से भी दुनिया चलने का था, दुनिया को अस्त व्यस्त कर रहा था रावण ने, दुनिया विनाश की ओर जा रही थी, परंतु वो विनाश का समय नहीं था, संघर्ष का समय नहीं था, इसलिए जो पालन शक्ति है वो उतरी करती है स्थिति को वैसे ही रखने के लिए, विश्व की स्थिति को वैसे ही रखने के लिए। तो वहां साधन बनेगा धनुष, इसलिए शिव जी स्वयं हार के उस धनुष को देवव्रत जनक को सौंप दिया, देवव्रत जनक के महल में उनके कुल में पूजित होते रहा धनुष, शीरध्वज जनक तक वो आया। अब जानते हैं शीरध्वज जनक की पुत्री थी मां सीता, जनक की भी चिंता है, वही चिंता जो चिंता दशरथ की थी, तो राम के लिए अनुरूप कन्या ढूंढना वो दशरथ की चिंता है, और सीता के लिए अनुरूप वर ढूंढना अनुरूप लड़का ढूंढना वो जनक की चिंता थी, परंतु विधि कह रहा था कि आप दोनों की चिंता नहीं है, वो अपने आप हो जाएगा, आपको कुछ करना ही नहीं है, ये काम आपसे अधिक है। जनक चिंता करने लगा कि कहां ढूंढना है योग्य वर को, कहां ढूंढना है कैसे ढूंढना है, उन्होंने एक प्राण रखा शिवधनुष को जो उठाएगा प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसमें तो उसको सीता दे दूंगा शादी करा दूंगा। प्रश्न ये है कि ये कैसा विधान है, लड़की किसी को पसंद की है तो दे देना ठीक है, नहीं तो बड़े सोच समझ के ये योग्य उसको देना वो भी ठीक है, दोनों नहीं है, कोई आएगा प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसको लड़की देना क्या बात है, अजीब सा लगता है, परंतु भाव ये है उसमें जहां योग्यता है योग वही होना चाहिए, योग और योग्यता साथ ही होना चाहिए, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। देखो योग्यता है योग नहीं, समझ रहे हैं ना, योग्यता है अर्हता है, योग संयोग प्राप्ति का योग नहीं, तो अतृप्ति रहती है, अशांत रहता है, बड़ा मन दुख रहता है, योग है प्राप्ति का योग है, अर्हता नहीं है योग्यता नहीं, तो वो योग संपत्ति के रूप में आ रही आपत्ति है, हम जिस चीज के योग्य नहीं है अगर वो चीज मिला उसको अनुग्रह न माने वो शाप, वो शाप देखो वो विपदा है। आजकल हम देखते हैं कैसे भी करके वहां पहुंचना,
एनकेन प्रकार प्रसिद्ध पुरुषों को कुछ भी करके वहां पहुंचना, उसी पकड़ना, अगर योग्यता नहीं वो स्थान मिलेगा, कोई चीज मिलेगा तो जरूर कुछ ना कुछ आपत्ति करेगा ही करेगा। इसलिए योग योग्यता साथ लाना, साथ लाना मुझे सुख है, जनक का भाव योग। जिनके पास योग्यता है उनके पास ही जाना चाहिए सीता, क्योंकि सीता तो अलौकिक संपत्ति है, अद्भुत संपत्ति है सीता, लक्ष्मी देवी है साक्षात। हम कल वही बोलना चाहते थे, धरती से उठकर आई सीता। थोड़ा सोचो, लक्ष्मी देवी धरती से उठकर आई, अगर किसान है तो और भी सोच लो, लक्ष्मी देवी धरती से उठकर आई। वसुंधरा कहते हैं धरती को, पशु का अध्यय संपत्ति लक्ष्मी धारण करती है धरती, सेवा करने से पूजा करने से वो प्रसाद के रूप में दे देती है, भीतर जो संपत्ति है वो दे देती है, उसी को खेती कहते हैं। खेती का समय ही हुआ था, यज्ञ में खेती का काम आता है, वो हल चलाने का एक संप्रदाय है यज्ञ के समय में। सीता का मतलब वही है, सीता शब्द का अर्थ वही है, वो लांगर पद्धति है, हल की रेखा, उसी को सीता कहते हैं, वही मिली थी। तो वहां भी एक संदेश है, महालक्ष्मी चाहिए आपको तो धरती माँ की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो, धरती माता की सेवा करो, दोनों को जोड़ो, उस पर जीवन निर्भर करो, वो संदेश है वहां भी, क्योंकि हल है वह खेती। तो वो साक्षात महालक्ष्मी की सीता, तो योग्य व्यक्ति चाहिए, नहीं तो संरक्षण नहीं होगा, क्योंकि जहां जहां शक्कर है वहां वहां चिट्ठियां आएंगी, जहां जहां अच्छी चीज है वहां वहां बहुत बहुत कुछ विपत्तियां होंगे ही। तो जनक ने यह समझा था, अगर ऐसे जो महाबल होगा, महापराक्रमी होगा, लोकेंद्र वीर होगा, वैसे नहीं होने से सीता का संरक्षण नहीं हो सकता है, ये पहले ही समझा था। इसलिए प्रण हो रखा, इस धनुष को जो उठाएगा अत्यंत चढ़ाएगा उसी को सीता, क्योंकि शिव धनुष है वो, कोई कोई आके नहीं कर सकते, जो दिव्य विभूति है, दिव्य पुरुष है, वही आके कर सकता है। परंतु बहुत समय हुआ कोई नहीं करता है। भक्ति रामायण में एक ही दिन स्वयंवर तय हुआ, सारे नरेश आ गए, रावण भी आया था, कोई नहीं कर पाए, फिर भगवान राम ने, ऐसा है वाल्मीकि में ऐसा नहीं है, वो घोषित करके रखा था जनक ने, कोई दिन तय नहीं किया, अलग अलग समय में अलग अलग नरेश वहां आ गए, चेष्टा किए, हिला नहीं नरेश, बाकी चीज बात वो हार के गए, बड़ी चिंता में पड़ा जनक, कैसे हो कन्यादान, योग्य वर कैसे मिले। उस समय यहां पहुंचे वहां विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण के साथ अयोध्या मिथिला। शिव का ही धनुष चाहिए, क्योंकि शिव और राम के बीच में उतना संबंध है, वैसा संबंध है, दिव्य संबंध है। दक्षिण में शिव राम नाम रखते हैं, यहां भी रखते होंगे, दोनों मिला के रखते हैं, शिव राम, रामेश्वर, राम शिव, ऐसे नाम रखते हैं, ध्यान में रखते होंगे, क्योंकि वो दो इतने नजदीक थे। जब रावण का संहार हुआ, प्रकट हुए शिव जी राम के सामने, प्रधान देवता के रूप में शिव जी प्रकट होते हैं, राम ने रामेश्वर मंदिर की स्थापना की, रामेश्वर मंदिर की, और शिव धनुष ही माध्यम बना सीता जी को प्राप्त करने में। शिव जी भी वैसे, शिवजी राम तारक मंत्र का, श्री राम जय राम इस तारक मंत्र का उपदेश देते हैं पार्वती जी को, कहते हैं पार्वती जी को, विष्णु सहस्र नाम और राम नाम तुल्य है, कहते हैं काशी मरणा मुक्ति, शास्त्र कहते हैं काशी में मृत्यु आने से मुक्ति हो जाती है, काशी का मृत्यु मृत्यु में ही मुक्ति है कहते हैं। वो इसलिए है, जो काशी में मरता है वो मरते समय अंतिम समय अंतिम क्षण में उनके दाहिने कान में साक्षात शिवजी आके रामदार मंत्र का उपदेश देते हैं,
अंतिम क्षण में जो स्मरण आता है, जो भाव आता है, वही हो जाते हैं। याद रखना, अंतिम क्षण का याद रखना, ध्यान रखना, उस समय जो रहता है भविष्य वही है। इस जन्म का अंतिम क्षण जो है वही हमारे भविष्य। इसलिए काशी में वो उद्घोष होता है, राम राम सत्य है। हम सुने अंतिम यात्रा में भी होता है वो, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, शिव जी का घोष है। ऐसा संबंध है दोनों के बीच। रामेश्वर शब्द है, रामेश्वर आप सुने ना, राम तो भगवान राम है, दशरथ राम है, ईश्वर तो साक्षात महादेव है, दोनों को मिला के वो शब्द निष्ठ हुआ है रामेश्वर शब्द। वो शब्द बड़ा विचित्र है संस्कृत के व्याकरण की दृष्टि से। तीन प्रकार के समास होते, कई प्रकार के समास होते हैं, तीन प्रकार के समास यहाँ संबंधित होते हैं रामेश्वर शब्द में। बहुव्रीहि समास है, राम ईश्वर यस्य सः, अगर करेंगे तो उसका मतलब ये होता है राम ही जिसका ईश्वर है, मतलब महादेव का ईश्वर राम है, महादेव के प्रभु राम है, वो अर्थ करता है। अगर तत्पुरुष समास ले लेंगे, रामस्य ईश्वर, राम का प्रभु महादेव, क्या अर्थ करते हैं राम का प्रभु। अगर द्वंद समास लेंगे, द्वंद में सम प्रधानता होती है, सम मुख्यता होती है, रामश्च असल ईश्वर, ईश्वरश्च राम तथा ईश्वर महादेव, दोनों को सम प्रधान था, सम मुख्य था, तो उसमें है संदेश। कभी राम मुख्य होते हैं, कभी ईश्वर मुख्य होते हैं, कभी दोनों मुख्य होते हैं, दोनों साथ रहते हैं, एक दूसरे को छोड़ते नहीं है, वैसे संबंध है। इसलिए शिव जी का दृश्य माध्यम बना सीता राम विवाह में। राम लक्ष्मण से, राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी पहुंच गए हैं मिथिला में, जगदीशहरा में। रात में विश्राम करते हैं, जनक का सम्मान वगैरह हो गया, रात में विश्राम करते हैं। सुबह जनक पूछता है विश्वामित्र जी से, क्या आज्ञा है? विश्वामित्र जी कहते हैं कुछ नहीं, उसे शिवधनुष को दिखाना है। राजकुमार दोनों आए हैं, अयोध्या के राजकुमार हैं, तो इनको दिखाना है, इनको दिखाना है, दुविधा हो रही। जनक को अच्छा लग रहे हो राम को देख के, ये एकदम अनुरूप वर हो सकता है, परंतु धनुष का क्या होगा पता नहीं, क्योंकि इतने बड़े बड़े महावीर आगे हार के गए हैं, क्या होगा पता नहीं। तो धनुष का पूरा पृष्ठभूमि बताता है जनक, तो पूरा सुन के भी विश्वामित्र जी कहते हैं ठीक है तुम दिखाओ। जनक अर्चा करता है, धनुष लेके आइए, शिव धनुष लेके आइए। तो वाल्मीकि रामायण कहता है 5000 बलशाली आदमी मुश्किल से लेके आते हैं उस पेड़िका जिसमें शिव धनुष को रखा था, उस पेड़िका को मुश्किल से लेके आते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं वत्स राम धनुष पश्या, वत्स बहुत सुंदर शब्द है, वत्स शब्द से ये बच्चा शब्द बन गया है, हिंदी का जो बच्चा शब्द है वत्स शब्द का रूपांतर है, वो गाय से जुड़ा है वो शब्द, वत्स शब्द, गाय को वत्सला कहते हैं, जो दूध बहाती है अपने बछड़ा के लिए दूध बहाती है, और वो वत्स है जो बछड़ा बछड़ी वो वत्स है। तो वो संबंध, वो प्रेम जहां जहां होता है वहां वहां वत्स उत्सरा शब्द का उपयोग कर सकते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं राम को वत्स राम धनुष पश्याम, धनुष का दर्शन करो। राम जी जाते हैं पेटिका के पास, जाते हैं संदूक के पास, और खोलते हैं धनुष का दर्शन करते हैं, और पूछते हैं विनय से, पूछते हैं विश्वामित्र जी से और जनक से, पूछते हैं क्या मैं हाथ लगा सकता हूं, क्या उठाने की कोशिश करूं, इतना विनय। दोनों हाँ करते हैं,
फिर वो घेर में रहता है जो होता है, अद्भुत होता है चित्तन उसको। लीला मात्र खेल चला खेलने के जैसा धनुष को भगवान राम उठा देते हैं, प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं और कान तक खींचते हैं, प्रत्यंचा को कान तक खींचते हैं, धनुष टूट गया, भूमिकंप होता है उस वक्त, भूमिकंप होता है, इतना बड़ा आवाज आता है, जनसभा में सारे मूर्छित हो जाते हैं। भगवान राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी और जनक को छोड़ के बाकी सारे लोग मूर्छित हो जाते हैं, हजारों हजार जो देख रहे हैं वो दृश्य, वो होश में नहीं है। जनक का मुंह से शब्द निकलता है अत्यद्भुतम अचिंत्यम, सोच भी नहीं सकता, अतर्कितम तर्क से बाहर इधम नया। अब जनकों का कुल उद्धार होगा, कहते हैं जानकी के कारण, सीता के कारण जनक वंश का नाम रहेगा कहते हैं शाश्वत। देखो अगर पुत्री हो तो ऐसे पुत्री चाहिए, आज भी हम जनक का याद करते हैं तो किसी लिए करते हैं, जानकी के कारण। सीता वृद्धार मासा क्या राम दशरथ, तो एक दो हो गया, कोई पहले कहते हैं एक दो हो गया, उसके कारण दो एक हो गए। ये देखो शिव धनुष एक था वो खंडित हो गया, दो हो गए, जिसके कारण दो एक हो गए, सीता राम प्रकृति पुरुष दोनों एक हो गए। और वो भी फिर दो होते हैं कुछ समय के लिए सीताराम, क्यों, जो पहले ही दो हो गए हैं उनको एक करना है, किनको, जय और विजय जो वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण से एक होकर रहते थे, लक्ष्मी जी और नारायण जी के साथ वो अलग होकर तत्व में आ गए हैं, वो दिव्य दंपति आज दंपति उन बच्चों को ढूंढ के यहां आए जिनको वहां से वो वहां खो गए, उनको ढूंढ के यहां आ गए, आगे वहां जाना है, उनको ढूंढ के उत्तर जाना है लंका की तरफ। कुछ समय के लिए वो एक सीता राम दो होते हैं, क्योंकि फिर एक करना है, राम और कुंभकर्ण जो असली में देव जी थे उनको फिर से एक करना है, वैकुंठ के साथ वैकुंठ में एक करना है, नहीं कि रामायण एक दो होना, फिर उसके कारण दो एक होना, फिर वो एक दो होना, फिर वो दो एक होना, बस रामायण कथा समाप्त, इतना ही है अद्वैत तो अद्वैत, इतना ही है रामायण। हमारी कथा है, हम भी अलग हो गए हैं उनसे, अलग हो गए हैं फिर एक होना है, द्वैत हुआ है अभी फिर अद्वैत होना है, यही रामायण का संदेश। तो शुद्ध प्रकृति और शुद्ध पुरुष मिलना है, मूल प्रकृति और शुद्ध परम पुरुष दोनों को मिलना है। भक्ति रामायण में सीता माला पहनाती है राम को, ऐसे भक्ति रामायण में, परंतु यहाँ आपको प्रतीक्षा करना होगा, नहीं जीते नहीं, क्योंकि यहाँ राम कहते हैं मुझे पिताजी की आज्ञा चाहिए। जनक ने कहा अब सीता को देना पड़ता, देना पड़ेगा तुमको, स्वीकार करो, तो राम जी कहते हैं पिताजी की आज्ञा चाहिए, इतना सम्मान इतना गौरव बड़े उनके लिए, दो तुमको भेजना होता है। दशरथ तो बहुत इतना पसंद हो गया, वो दशरथ बहुत अच्छा लगा उनको, वो वहां है मिथिला में, वहां पहुंच गया, तो सेना समेत परिवार समेत वहां आ जाता है, जनकपुर में मिथिला में आ जाता है वो।